Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. 1950 में विक्रम साराभाई ने एक सपना देखा था, इंडिया को स्पेस प्रोग्राम का वर्ल्ड लीडर बनाना, रॉकेटरी में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इस सपने को पूरा करने के लिए इंडिया को चाहिए था अपना खुद का एक स्पेस प्रोग्राम, जो उस टाइम के सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थी, क्योंकि उस टाइम की सरकार अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट इशू और सरहद पर दुश्मनों से जूझ रहा था। इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल रही थी कि इंडिया से ये कभी नहीं हो पाएगा। स्थिति अनुरूप न होने के बावजूद भी विक्रम साराभाई ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ऐसे वॉलंटियर साइंटिस्ट को ढूंढना चालू किया जिनकी मदद से वो साउथ केरला में एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन सेटअप करना चाहते थे, और हुआ भी अल्टीमेटली ऐसा ही। 1963 में तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, और इस छोटे से रॉकेट के लॉन्चिंग से शुरू होती है हमारी स्पेस प्रोग्राम। इसरो इंडिया की खुद की एक स्पेस एजेंसी है, जो विक्रम साराभाई का एक सपना था। इसरो 2008 में अपने खुद के दम पर अपनी खुद की एक टेक्नोलॉजी से लॉन्च करती है चंद्रयान फर्स्ट। सारी दुनिया भौचक्की रह जाती है। एक कंट्री जो कुछ दशक पहले रॉकेट के पार्ट को साइकिल के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर रही थी, आज खुद ही अपनी टेक्नोलॉजी से वो चांद और मंगल तक पहुँच रही है। क्योंकि इसरो के सक्सेसफुल चांद मिशन के बाद आया था द मार्स मिशन यानी मंगलयान, उसके बाद चंद्रयान 2, उसके बाद एस्ट्रोविक से लेकर 2017 में एक रॉकेट से सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसको 4 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया। आज हालात ये है कि 2018 से 2022 तक इसरो फॉरेन कंट्री के 177 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड इसरो को अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर मानती है। 14 जुलाई को इसरो के LBM-3M4 रॉकेट ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को चांद के सफर पर रवाना किया था। लाखों लोगों ने इस लॉन्च को टीवी पर और यूट्यूब पे लाइव देखा था, और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंड करके एक नया इतिहास बना दिया। भारत अंतरिक्ष में परचम लहरा रहा है, हर रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखने वाले विक्रम साराभाई, जिनकी वजह से भारत दुनिया में सबसे आगे खड़ा है, उनकी मौत एक मिस्टीरियस तरीके से हो जाना कई सवाल खड़े करते हैं। 30 दिसंबर 1971 गुरुवार का दिन, और केरल के सागर किनारे बसा शहर कोला, इस शहर की सुबह एक खबर से हुई, एक मौत की खबर जिसने कुछ ही मिनट में सारे देश को झंझोर कर रख दिया। खबर थी कोलांग के रिजोर्ट के कमरे में एक लाश मिली है, एक संदिग्ध लाश जिसकी जब पहचान हुई तो सारे देश के होश उड़ गए। ये लाश थी देश के सबसे बड़े भौतिक शास्त्री प्रोफेसर विक्रम साराभाई की। एक रोज पहले तक एक सामान्य जीवन शैली में जी रहे प्रोफेसर साराभाई का यूं चला जाना सारे देश के समझ में नहीं आया। ना कोई बीमारी, ना कोई शारीरिक तकलीफ, पर मिली तो सिर्फ एक लाश। जिस रोज ये घटना हुई, प्रोफेसर साराभाई के एक रोज पहले जिंदा दिल्ली से अपने काम में जुटे हुए थे। 30 दिसंबर के एक दिन पहले उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ एक बैठक की थी, कई अहम मुद्दों पे चर्चा की थी। उनके साथ रहे लोग बताते हैं कि ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे जिसकी वजह से लगे कि प्रोफेसर विक्रम साराभाई की तबीयत खराब है। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये जान गई तो गई कैसे। ये सवाल उस समय पूरा देश में बना हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तब की सरकार से लेकर आज की सरकार ने इस राज का पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की। इस संदिग्ध मौत की थ्योरी का राज आज तक देश के तमाम फाइलों में दफन है। साराभाई के मित्र नवी नारायण ने एक बुक लिखी थी जिसमें साराभाई की मौत पर एक पूरा चैप्टर है। नवी नारायण ने इस किताब में लिखा था, उनकी मौत से कई सवाल उठे हैं। अगर उनकी मौत एक साजिश थी तो पूरी संभावना है कि उनके पीछे अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का हाथ था, नहीं तो उनके जैसे वैज्ञानिक का इस तरह निधन कैसे हो सकता है। नवी ने अपनी किताब में आगे लिखा, साराभाई अपने सेहत पर बहुत ध्यान रखते थे। एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी में सिगरेट को कभी छुआ तक नहीं था, फिर उसकी मौत ऐसे कैसे हो सकती है। और ये जानते हुए कि मृतक एक महान वैज्ञानिक थे, उनका अंतिम संस्कार उनकी ऑटोप्सी के बिना क्यों कराया। नवी नारायण अपनी किताब में विक्रम साराभाई के निधन को प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री होमी जहांगीर बाबा की मौत से जोड़ने के लिए कहते हैं। नवी नारायण ने लिखा, 1966 में प्रोफेसर होमी जहांगीर बाबा की मौत भी कुछ इस तरीके से ही हुई थी। उन्होंने अपनी किताब में पत्रकार ग्रेगरी डगलस की किताब कन्वर्सेशन विद द क्रो का हवाला भी दिया था। इस किताब में एक सीआईए ऑफिसर रॉबर्ट ने कहा था, होमी जहांगीर बाबा की मौत के पीछे सीआईए ऑफिसर का हाथ हो सकता है। इस किताब में क्रॉली के हवाले से लिखा गया है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध के बाद भारत की जीत से अमेरिका बेचैन हो गया था। इस युद्ध के बाद अमेरिका भारत को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में विकसित होता देख रहा था। इसे देखकर अमेरिका की चिंताएं बढ़ने लगी थी।
तमाम थ्योरी में कहा जाता है कि होमी जहांगीर बाबा के मौत के पीछे भी सियाई का हाथ था, लेकिन ये राज प्रोफेसर सारा भाई और लाल बहादुर शास्त्री के मौत और तमाम मौतों के इस मामले के साथ कहां दफन हो गया, आज तक देश को इसका जवाब नहीं मिल सका। प्रोफेसर सारा भाई के मौत के कई सालों बाद भी आज भी ये राज पता नहीं चल सका कि उनकी मौत कैसे हुई। इस मामले को लेकर तमाम कहानियां कही जाती है, तमाम बातें सुनाई जाती है, लेकिन सरकार के स्तर पर आज तक इस बात का कोई राज पता नहीं चल सका कि प्रोफेसर सारा भाई की मौत हुई तो हुई कैसे और इसके पीछे का राज क्या था।